जाओ चिड़ी को। मैं कब छूटूंगा साहब? अबे और धतूरे के बीच जब तक मारे सर में दर्द रहेगा तब तक तू मारे कैद में रहेगा। सर टेंशन नहीं अटेंशन। अबे टेंशन होगी तो टेंशन होगी ना। यू आर राइट सर। रॉन्ग बात ना करूं मैं। सुन हाइट में तू बड़ा थाने में मैं बड़ा। चल पानी पिलाओ। इतनी ठंड में पानी? प्यास लगे ना लगे टेबल पर बैठते ही पानी का ऑर्डर देना जरूरी है। हिम्मत सिंह ये बड़ा कैसे कहलाएगा? यू आर राइट सर। यस जी साहब जी हमारे बड़े साहब तो भोला साहब है ना जी। भोले की बात कर रहा है। भोला गधा है बेवकूफ है उल्लू का पट्टा है। अब क्या चीज है भोला? अब भोला क्या चीज है? अरे मिनिस्टर से मैंने फोन पे बात करके सिफारिश की तभी बना इंस्पेक्टर वरना ये तो वो चपरासी के लायक बिना है। यू आर राइट सर। रेड रेड की बात करे रॉन्ग बात रह करूं मैं। हिम्मत सिंह बहुत हिम्मत सिंह। ए बता बे साले शादी में आया क्या हिम्मत सिंह? अबे कोई आने का टाइम है ये? हिम्मत सिंह हिम्मत सिंह। पहले ये बता तो देर से क्यों आया? अब पहले ये बता कि इस थाने का इंचार्ज तू है या मैं हूँ? मैं हूँ। यू आर राइट सर। ये ले। ए शट अप। इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ और सरकार ने जीप मुझे दी है तुझे नहीं। ऐसी बात नहीं है। सरकार ने जीप हम सबके लिए दी है और इसलिए कि आतंकवादी तो डर के भागना पड़े तो सब एक साथ बैठ के भागे। यू आर राइट। रॉन्ग बात तो करूँ ना मैं? तेरे को घमंड आ गया क्या? मैं इंस्पेक्टर हूँ इंस्पेक्टर। ये देख मेरे स्टार मेरे स्टार। यू आर राइट। बैठ जाओ रेड वाले बच्चे। ये देख तुझ जैसे स्टार कितने आए कितने गए। कुछ तो चले गए कुछ तो मर गए कुछ तो सुधर गए कुछ तो जाने किधर चले गए किधर गए किधर गए। ये देख मेरी बात सुन ले। आतंकवादियों से जिनकी यारी है उनका पल्ला हमेशा भारी है। 20 साल हो गए इस थाने में हवलदार हुए। तेरे को 6 महीने हो गए इंस्पेक्टर बन के। वैसे भी तू मेरा साला है मैं तेरा जीजा हूँ। बोल बड़ा कौन? दादा बात नहीं करना तेरी बहन को आधे रास्ते में छोड़ दूंगा मैं। साला है तो तेरी इज्जत कर रहा हूँ। बैठ जा बैठ जा बैठ जा चल बैठ जा जल्दी बैठ जा। ओए मेरे लिए एक लस्सी ले गया पानी पीगा तू? हाँ। एक पानी लाके इसके मुंह पे मार होश में नहीं है ये। यू आर राइट सर। मेरी गुलबदन मेरी जान मैंने कल का अखबार पढ़ा। बहुत अच्छा लिखा है तूने मेरे बारे में। पालघाट वालों को मेरे खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मंगल लोहार को उम्र कैद होनी चाहिए। हा? लेकिन एक गड़बड़ की तूने। अगर मेरा फोटो छपवा देती ना तो बहुत अच्छा हो जाता। तेरा ये शौक भी जल्द ही पूरा हो जाएगा मंगल। और अखबार में फोटो वो छपेगा जिसमें तू जेल में चक्की चलाता हुआ नजर आएगा। ओ, इतना भरोसा है तुझे अपने कैमरे पर? मेरा कैमरा दे। मेरा कैमरा दे दे मंगल वरना मैं पुलिस में तेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाऊंगी। आजकल तू बहुत जोक मारने लगी है। जरा बता दे रहे इसे पुलिस खुद मंगल लोहार के पास अपनी कंप्लेंट लिखवाने आती है। तुझे यकीन नहीं आ रहा है ना तो जा और पुलिस में जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दे। जा मुंह क्या देख रही है जाना। ठीक है अगर तू मर्द की औलाद है तो जाना मत यहां से यहीं पर रुकना। अरे मर्द हूं इसलिए तेरे पर मरता हूं रे। बोला कहाँ है? कहाँ बोला?
ये बात है बहुत हाँ भरी है तू, ये परेशानी है, बोला बोला क्या कर रही है इस थाने में, मैं बड़ा मुझसे बोल। वो मुझे मंगलवार के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। बेइज्जती कर रही है तू, मेरी बेइज्जती कर रही है, छोटे मोटे लोगों कंप्लेन लेके नहीं आना मेरे पास। क्या मैं बड़े बड़े डकैतों को कंप्लेन लिखता हूँ मैं इस थाने में, मैं बड़ा छोटी मोटी कंप्लेन लिखाना तो कोने में बैठा है, बोला था उसके पास तकल उधर अरे रोमा तुम, आओ आओ बैठो, कैसी हो तुम? बोला अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो है? और उस मंगल लोहार को ऐसा मजा चखाओ कि जिंदगी में किसी लड़की को छेड़ना तो दूर, वो शादी के लायक भी ना रहे। अभी मेरे साथ चलो और उसे गिरफ्तार करो भोला। लेकिन उसने किया क्या है? किया क्या है? अरे उसने मुझे छेड़ा है और मेरा कैमरा भी छीन लिया है। अच्छा तो उसकी ये हिम्मत? तू फिक्र मत कर रोमा, कल मेरी पगार होने वाली है, मैं तुझे नया कैमरा खरीद के दूंगा। क्या? वो क्या है ना रोमा, कि हम ठहरे इज्जतदार लोग हैं, हमें गुंडे मवालियों के साथ मुंह लगना शोभा नहीं देता। हाँ। ये तुम कह रहे हो, एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है। देखो अगर तुमने उसे गिरफ्तार नहीं किया तो याद रखना भोला, जिंदगी भर दोबारा बात नहीं करूंगी तुमसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है तो हम आते हैं, एक मिनट। मेरे बहादुर सिपाहियों तैयार हो जाओ, हमें मंगल लोहार को गिरफ्तार करने जाना है। और अपने अपने साथ कपन के कपड़े भी ले जाना, क्या पता उधर मिले ना मिले, और साथ बगल में ना वो चंदन की लकड़ियां भी ले जाना। और मंगल लोहार से विनती करना भैया, हमें मार के हमारी बॉडी को इधर से जला देना। यू आर राइट सर। राइट के बच्चे क्या हो गया साले तुझको, क्या हो गया तुझको, इस लड़की के चक्कर में तू तो मर गई, 100% मरेगा। अबे क्यों मार रही है बे? रोमा ये नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, ये मेरा हुक्म है, तुम लोगों के सीनियर का हुक्म है, यू अंडरस्टैंड, फॉलो मी। चलो उतरो, ओके कम ऑन बॉयज फॉलो मी। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और गिरफ्तार करो उसे। अभी गिरफ्तार करता हूँ, जरा इसे ब्रीफ तो होने दो, बहुत बिजी है अभी। हाँ। अरे तुम जाओ। मंगल लोहार, मैं तुझे एक जर्नलिस्ट को छेड़ने और उसका कैमरा छीनने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। अच्छा तो ये छमिया तुझे यहाँ लाई? शट अप, जुबान संभाल के बात कर, मेरे बहादुर सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे, हथकड़ियां लगा दो इसको। हाँ। लगी तो नहीं आपको? कैसे लगा आपको मेरा यह मजाक? मैं तो मजाक कर रहा था। वो क्या है ना मंगल भाई, कि रोमा की मुझे कहने लगी कि आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मंगल भाई ऐसे आदमी नहीं है, वो तो एक शरीफ आदमी है, शहर के इज्जतदार इंसान है। वैसे मंगल भाई आजकल आप पुलिस स्टेशन नहीं आते, आप मुझसे नाराज है क्या? वो क्या ना मंगल भाई, आप पुलिस स्टेशन नहीं आते ना तो मेरा दिल नहीं बहलता, कुछ सुना सुना सा लगता, आया करो ना मंगल भाई। मैं तेरा दिल बहलाता हूँ, तू यहाँ। हम लोगों की तो ऐसे मजाक चलती ही रहती है, क्यों मंगल भाई? ये भी बिल्कुल आपकी तरह मजाक करती है, क्यों रोमा? रोमा रोमा, मेरे इलाके में गुंडागिरी करता है तू, शरीफ इंसान को तकलीफ पहुंचाता है, पालघाट की जमीन पर मंगल लोहार के खून का एक कतरा भी नहीं गिरा आज तक, तूने इसके खून की गटर बहा दी। यू आर राइट सर। रेड ने रोंग बात है, रोंग बात है, तलान बना दे इसकी।
मंगल भाई। मंगल भाई, मंगल भाई फिक्र न करो, आप हुक्म करो, हुक्म करो, इसको 6 महीने की लगा दू, 10 साल की लगा दू, 20 साल की लगा दू, या उम्र कैद कर दू, इनकाउंटर मार दू। इसे एनकाउंटर में तकलीफ देखनी चाहती, आपकी तकलीफ देखनी चाहती, देखनी चाहती भाई, क्या करे, देखनी चाहती भाई, जगह में ले जाके गोली मार दे इसको। सर पिछले 9 महीने से गोलियां खत्म हो चुकी है सर। क्या बात कर रहा है, अरे गोलियों की क्या जरूरत है, पत्थर मार मार के खत्म कर दे इसको। बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे क्या दिखाना चाहता है तू? इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल ब्रांच। शुक्र है इतना तो पता है कि सलूट कैसे मारा जाता है और किसको मारा जाता है। अब इस शरीफ आदमी को मैं उठाकर अंदर करूं या आप लोग थोड़ा कष्ट करेंगे? हम उठा दे, उठा दे, उठा चलो बैठो, चलो उठाओ। अरे बाप मेरे भोला बाप, जिस तरह का भोला मैं हमेशा चाहती थी, मुझे मेरा बोलो उससे कई बार कर मिला। देख देख बोला तूने आज क्या किया है। चल हट जा, अरे हट जा। किसने मासूम बच्चों पे हाथ उठाने की कोशिश की? मैं पूछता हूँ किसकी माँ ने अपना दूध छोड़ के उस सपूत को शेरनी का दूध पिलाया? किसने तोड़ा ये कानून? You are right, Thank sir. You. ये सब मेरे भोला ने किया है। छोरी ये मजाक का वक्त नहीं है, ये बोला जिसकी हिम्मत नहीं आज तक तुझको आंख मारने की, इनको मारेगा ये? अरे यही तो कमाल है मेरे भोला का, जिसने मुझे आज तक आंख नहीं मारी, उसने मेरा दिल जीतकर बाजी मार ली। बोला मैं क्या सुन रहा हूँ, तूने मारा इनको? अरे मुझे तो खुद नहीं पता मैंने इन दोनों को मारा कैसे। ए बोला ये झूठा इल्जाम अपने सिर पे मत ले, मारा जाएगा तू। यू आर राइट सर, राइट के बच्चे मार दूंगा, सीरियस बात हो रही, राइट राइट कर गया। हिम्मत सिंह जी ये सच है, भोला ने ही इन्हें मारकर मेरी इज्जत बचाई है। अच्छा वेरी गुड। मत रो गुरुजी, मत रो। अरे क्यों ना रोऊं? अरे बोले तूने क्या कर लिया बोले? अरे मेरी जवानी में तूने क्या कर लिया बे? अरे मेरे होने वाले बच्चों का क्या होगा? वो किसे मामा मामा कह के पुकारेंगे बे? हर साल रागे के त्योहार में अपने बहन के थाली में 100 रुपए डालता था, अब थाली में वैसे कौन डालेगा? मैं। You are right, sir. राइट बोल रही है, मारी अपनी बीवी का भाई बना रही है मुझको, मूड मत खराब कर रे। पानी पी लो। पानी पीता हूँ। अबे आंसू पिला रही है तू? टिशू सर। टिशू चाहिए भैया, टिशू चाहिए। अबे टिशू तू जाके आरती का सामान का बंदोबस्त कर दे। अरे भैया तू पड़ोस के गांव में जाके खबर दे सारे रिश्तेदारों को के बोला है दुनिया में नहीं रहा बे। वो तो अभी तक जिंदा है सर। अबे ये जिंदगी कोई जिंदगी है? अबे रंगा राव तो दुश्मन लेके कोई बचा है तो ये बचेगा? ए चिचुंदर जा जाके खबर। अबे जब तक तू खबर करके आ गई ये मर चुका होगा बोले। अबे बोले तूने क्या कर लिया बे? अबे रंगा राव के बारे में तूने क्यों नहीं सोचा बोले? दीदी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, अचानक मुझ में शक्ति आ जाती है और फिर मैं कोई बात नहीं मैं अभी तड़ी पार को भेज दिया हूँ डॉक्टर तकलीफ साहब को बुलाने।
वो तेरी सारी तकलीफ दूर करेंगे, आराम से बैठ। हाँ। तकलीफ साहब बहुत फेमस है। चलो अबे डॉक्टर, पेशेंट इधर नहीं उधर है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आइए आइए साहब। इम्पोर्टेंट डॉक्टर। एडमिट था क्या? नहीं साहब। एम्बुलेंस भी लाया? नहीं साहब, डॉक्टर तकलीफ। अरे मैं जानता हूँ फैमिली डॉक्टर है, मगर इतने तकलीफ में पहली बार देख रहा हूँ। किसकी? क्या किसकी? किसकी तबीयत खराब? घोड़े की, मेरे साले की तबीयत खराब है जी। क्या बीमारी? यही तो पता लगाना है डॉक्टर साहब कि आखिर मुझे हुआ क्या है। देखो डॉक्टर साहब, ऐसा है, इस गांव की परंपरा रही है कि हम गुंडों से डरते हैं, गुंडों के सामने सर झुकाते हैं, पर इस बेवकूफ ने गुंडों के हाथ पांव तोड़ के बरसों की परंपरा तोड़ दी है। डॉक्टर साहब, मालूम नहीं मुझे क्या हो गया, जैसे ही गुंडे मेरे सामने आ जाते हैं, अचानक मेरे बदन में फुर्ती आ जाती है और मैं उन्हें मारने लगता हूँ, मारने लगता हूँ, मारने लगता हूँ। खराब क्या है? अरे कितना है? पहले से थोड़ा कम है। पानी लाओ। पानी दे तेरे पास। रोए पानी ले क्या? गोलियां लाओ। अरे लेकिन ये गोलियां तो मेरे लिए थी डॉक्टर साहब। तुम्हारे लिए केमिस्ट में प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूंगा। हाँ, 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 हाँ। लिख के दे मैं मंगवा लूंगा स्टोर से। तकलीफ में होने के बावजूद भी देखने आते हैं, फैमिली डॉक्टर हैं। अच्छा जी, लिख के दे। हाथ ला, वजन कम करो, शराब मत पियो, खाना कम खाओ, लिफ्ट में मत घूमो, हो सके तो साइकिल पे घूमो। साइकिल की बात कर रहे हैं आप, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ पुलिस स्टेशन पैदल आया कर, मगर ये मानता कहाँ है? ओए, ये तुम्हारी बीमारी बता रही है मेरे भाई की? देखो किसका हाथ देख रहा है ये। अरे इसमें कौन सा फर्क पड़ता है, एक बार मेरा हाथ देख के मेरे बाप का इलाज किया था इसने। बाहर में जाए तुम्हारा बाप, मुझे नहीं कराना तेरे भाई का इलाज डॉक्टर से। ओए डॉक्टर, उठ, निकल ऐसे, नहीं तो इतना मारूंगी ना, मुंह तोड़ के हाथ दूंगी। निकल इससे। बकवास कर रही है, अपने भाई को मरवाएगी क्या? ऐसे फ्री फंड के डॉक्टर कहीं मिलता है? तुम तो चुप बैठो, तुम्हारी तो मैं ऐसी मरम्मत करूंगी ना कि डॉक्टर क्या अस्पताल भी नसीबा होगा तुम्हें। ये गलत बात कर रही है। मैं ठीक हो गया हूँ। देख ठीक हो गया हूँ। देख ले डॉक्टर का कमाल है, ये डॉक्टर नहीं तकलीफ बाबा है। बाबा भोला, भोला, ये तो ज्वाला सिंह की आवाज है। डरो मत भोला। कैसे नहीं डरूं? मैं ज्वाला सिंह की आत्मा हूं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहां हो लेकिन मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो? तो मुझे सिर्फ सुन सकते हो। मैं तुम्हें कुछ बताने आया, तुम्हारी परेशानी दूर करना। तुम हैरान हो गए, पिछली दो मर्तबा इतनी बहादुरी से रंगा राव के आदमी के साथ तुमने मुकाबला कैसे किया? अरे हैरान नहीं हूं, परेशान हूं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि इतनी शक्ति मुझ में कैसे आ जाती है, और मैं डरता भी नहीं हूं। इसलिए कि तुम्हारे शरीर में मैं दाखिल हो जाता हूं। तुम मेरे शरीर में? हाँ, वो तुम नहीं लड़ते, मैं लड़ता हूं। तुम लड़ते हो? लेकिन रंगा राव के आदमी तो समझते होंगे कि मैं उन्हें मार रहा हूं। अरे बहुत जल्दी तो मेरा कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब जब तुम पर कोई आफत आएगी, मैं तुम्हारे शरीर में आऊंगा और तुम्हें वो शक्ति मिल जाएगी कि तुम बड़े से बड़े खतरों का सामना कर सको। याद रखना, ना तुम्हें गोली छू सकेगी, ना आग जलाएगी,
और ना ही किसी भी हथियार का असर तुम पर होगा। लेकिन ये कब तक? जब तक रंगराव का खात्मा नहीं हो जाता। हिम्मत नहीं हारना बंदा, ये ताकत यूं समझो कि भगवान की देन है तुम्हें। इस ताकत के जरिए तुम वो मिशन पूरा कर सकोगे जो आज तक कोई पुलिस वाला नहीं कर पाया। उसके बाद मैं हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हारे साथ सिर्फ एक याद रह जाएगी, और अपना यह भेद तुम किसी पर नहीं खोलना। बेस्ट ऑफ लक भोला। ज्वाला, बेस्ट ऑफ लक। ज्वाला, 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 फंस गए। मम्मी अब कहाँ जाएंगे हम? अपने पुराने घर। मैंने ही तेरे पापा से कहा था पालघाट अपनी पोस्टिंग कराने के लिए, मगर मुझे क्या पता था कि ये शहर हमसे हमारी सारी खुशियां छीन लेगा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे माला, तुम लोग कहीं रहोगे। मैं दुनिया वालों को अपनी पत्नी और बच्चे पर हंसने का मौका नहीं दूंगा। मतलब अगर तुम लोग यहां से चले गए ना, तो आइंदा कोई पुलिस वाला पालघाट पे नहीं आएगा। इंसाफ और कानून से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। माला तुम लोग मत जाओ। माला चल बेटा। माला, माला मत जाओ। बेटे, बेटे मत जाओ। बेटे अब मैं क्या करूं? भोला। हाँ भोला, जल गया, जल गया। ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला। हाँ भोला, मैं आज मैं तुम्हारी मदद मांगने आया। मदद? और मुझसे? अरे मैं तो खुद तुम्हारे बिना कुछ कर नहीं सकता, तो मैं तुम्हारी। भोला, तुम्हारी भाभी पालघर छोड़कर जा रही है। भाभी पालघर छोड़ के जा रही है? उसे रोक लो भोला। माला अगर हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा? मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इस तूफान में पले, पालघाट में रहकर उसे यह एहसास हो कि उसका बाप बुजदिली की मौत नहीं मरा है, बहादुरी की मौत मरा है। वो ये जान ले कि फर्ज की राहों में कुर्बान होने का जज्बा किसे कहते हैं। उसे रोक लो भला, जल्दी जाओ उसे रोक लो। हाँ, मैं भाभी को रोकूंगा, मैं भाभी को रोकूंगा। अभी जाता हूं। फिर तू पत्थर का ही निकला ना? जब तू मासूमों और बेगुनाहों को न्याय नहीं दिला सकता, तो फिर किस बात का तू न्यायदाता हुआ? ज्वाला से प्यार करने की तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, फिर किस बात का तू न्यायदाता हुआ? ज्वाला सिंह यहाँ जुल्म का खात्मा करके गरीबों को इंसाफ दिलाने आया था, और तूने उसे ही इस दुनिया से उठा दिया, तो फिर किस बात का तू न्यायदाता हुआ? इस मासूम के सर से तूने माँ का साया तो बहुत पहले ही छीन लिया। अरे इसके बाप का साया तो इसके सर पे रहने देता? क्या नाम दे तुझे, न्यायदाता या अन्यायदाता? क्या कहे तेरी इस मर्जी को? अगर तेरी यही मर्जी है तो तू हमारी मर्जी भी सुन। जिस नगरी में हमारी खुशियां नहीं रही, हम भी उस नगरी में नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे हम उस नगरी में। चलो बेटे। भाभी जी आप नहीं जाएंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अंधेर है, अंधेर है भैया, ये अंधेर नहीं तो और क्या है? भाभी मैं जानता हूं कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन आपने मुझे भैया कहा तो इस भाई पर विश्वास करो। आपकी और बंटी की रक्षा मैं करूंगा। निराश मत हो भाभी, दुख के बाद सुख ही आता है और रात के बाद सवेरा। जिन सपनों को ज्वाला लेकर पालघाट आया था वो जरूर पूरे होंगे। जुल्म का नाश होगा और सच्चाई की जीत होगी, और ये सब आप अपने आंखों से देखोगी। बस यूं समझ लो कि ये मैं नहीं कह रहा, ज्वाला खुद कह रहा है। चलो बंटी। देखो जी, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है। अच्छा है ना? सुनो जी। हाँ जी।
तुम्हें तुम्हारी पूरी कमाई मिल गई। तनखा तो ला के देने तेरे को, अब पूरे पुलिस वालों की तनखा ला दूं क्या? ना ना, ऊपर वाली कमाई, ऊपर वाली कमाई तो नीचे से चली गई ना। और वो 50,000? वो तेरी वजह से गए। तू पता नहीं घर छोड़ के कहाँ चली जाती है। बोर्ड पे किसने लिख दिया वहाँ मैं दानवीर करण हूँ, मैं सारे पैसे दान करके आ गया। और वो कंगन? अरे बंगन, मीठा खिला खिला के कड़वी बातें याद दिलाती है। अब ऊपर की कमाई आएगी ना तो तेरे कंगन ला दूंगा। अब वो अच्छी चीज खिला दे मेरे को। आंखें बंद करो ना। आंखें बंद कर लूं, ये ले। मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज खिलाती हूँ। रसगुल्ला खिला रही क्या? हाँ। श्रीखंड खिला रही है? हाँ। कलाकंद खिला रही है? पानी दे नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा बे? अरे एक साल की पगार दे फिर पानी दूंगा। अबे तू रहता मेरे पास है, खाता मेरे पास है, नहाता मेरे पास है, फिर काहे की तरह का मांग रहे हैं बे? अरे बहुत खर्चा पड़ता है साहब, चक्कू को धार लगानी पड़ती है, अरे पैसे वाले को ढांसा देने के लिए एसटीडी करनी पड़ती है, और ऊपर जो दो शाने वाले हैं ना उनका भी खर्चा है, चाहे अपनी उम्र में एक चावी है ना उसको भी मनी ऑर्डर करनी पड़ती है। सब सब ये बराबर नहीं, मेरा पगार दे दो। अब अगले साल दो साल की एक साथ लेना। कहाँ है वो, कहाँ गई वो? अगले साल बोलेगा 3 साल की तनख्वाह देता हूँ। बच्चू सुबह उठ, तुझे दिखाता हूँ सारे सालों याद रखेगा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं शंकर दादा हूँ, मुझे हफ्ता वसूल करने जाना है। ए, मैं शंकर दादा बात करने का नहीं, ज्यादा पूरा का पूरा आदमी का कर दूंगा आधा, समझा? ये इलाके में किसी की नहीं चलेगी। अपून नागले समझ जाने का, हर सप्ताह निकालने का अपना हफ्ता। शंकर दादा पहचानते ना मेरे को? ए, हफ्ता निकाल। मैं गरीब आदमी, हफ्ता कहां से दूंगा माई बाप? हफ्ता नहीं तो महीना निकाल, महीना नहीं तो साल निकाल, नहीं तो पूरी खाल निकाल लो आप। डर के दिया ना? हाँ डर के दिया माई बाप। चले शरण, चल माल निकाल, चल हफ्ता। ये हवलदार हफ्ता क्यों मांगते हैं? शायद पगार कम पड़ रही होगी। मंदिर लगा के रखना, टोली सजा के रखना। अरे ये हिम्मत सिंह शंकर दादा के घर में क्यों जा रहा है? हाँ। ऐ मेरी रानी मेरी जान, देख तेरा शंकर दादा आ गया है। कहा है तू? हिम्मत सिंह? अरे हिम्मत सिंह की क्या औकात है शंकर दादा के सामने? दो बार मार चुका साले को, सलाम ठोकता है मेरे को। मेरी जान देख तेरे लिए क्या रहा, सोना जेवरा साड़ियां परफ्यूम और बंगड़ियां। मेरे लिए? तेरे लिए तो क्या, उस हिम्मत सिंह की बीवी के लिए। सुनो सुनो, आदि क्या खंडाल हो काय को? अरे घूमेंगे फिरेंगे लूटेंगे लाटेंगे चाकू दिखाएंगे और क्या। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना हिम्मत सिंह को, पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रहा है। जब से कहता है मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आया, जेवर लेकर आया, और ये भी कहता है आती के खंडाला। ये कौन है? अबे साले मैं इसका पति हूँ। बेवफा है? ए? तेरा एक और पति है? वो भी इतना भारी? ए? ठीक, आज मैं तेरे को हल्का कर दूंगा बे। एक उधर पड़, उधर पड़, उधर पड़।
शंकर दादा, भाभी लागू श्री राम लागू भैया कैसे आ गया भाई? अबे अपने पैरों पे चल के आया था और चार के कंधों पे जाएगा। तड़ीपार, ओ तड़ीपार। बोलो बहन। सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर की सफाई करना। हाँ। और हाँ, साहब जागे तो उन्हें ये बोर्ड जरूर दिखा देना, और ध्यान रखना वो किसी और के घर ना घुस जाए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ बहन, आप फिकर मत करो, अपन सब काम सेट करेगा, आप निकलो। हाँ ठीक है, बाहर तो बाहर, घर में भी परेशान किया तेरी तो। अरे कोई है भाया? आ जाओ भाई, लाइन क्लियर है। हाँ आ जाओ, सीधे चले आओ। हवलदार साहब सो के उठे क्या? नहीं ना, सोया पड़ा है मनुष्य अभी तक। रिश्वत के पैसे से अपने घर को टकाटक करके रखा है। ओए, ओए, ये क्या लिखा है? अरे आपको पता नहीं? नहीं। क्या है साहब, जब नींद से उठते हैं ना तो उनकी याददाश्त चली जाती है, उनको बताना पड़ता है, बोर्ड पे लिखना पड़ता है, मैं हवलदार हिम्मत सिंह हूँ। अच्छा अच्छा, ओए गलसन। हाँ। अगर इस बोर्ड पे लिखाओ कि वो हिम्मत सिंह नहीं कुछ और है तो वही बन जाता है। फिर जोर से ना सर पे टप्पू मारना पड़ता है और बताना पड़ता है, मैं हवलदार हिम्मत सिंह हूँ। एक बात सुन, तेरे को पगार वगार तो नहीं दी होगी? नहीं ना। अरे जिस गवर्नमेंट का नमक खाया उसका नहीं हुआ तो मेरा कहाँ से होगा? एक साल से पगार नहीं दी। बोलता है तू तड़ी पा रहे है, मैंने तुझे संभाला, और फिर से पैसा मांगू तो बोलता है झाड़ू मार, बर्तन साफ कर। पका पका दिया है मन उसने। ओए मुझे भी मालूम है, हवालात में खूब झाड़ू मरवाता है। अरे अपनी सेम स्टोरी है, सेम लव स्टोरी है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इससे बदला लेने का। क्या ए, कर दूं क्या इसका टुल्लम टुल्ला? अरे कर दो इसका टुल्लम टुल्ला बिंदास। ठीक है, तू मेरा साथ दे रामदास। उसो उसो कुम करम, जब तू उठेगा ना तब तुझे पता चलेगा तू क्या बन गया। चलो टुल्लम टुल्ला। मैं कौन हूँ? मैं झाड़ू मारने वाला हूँ, मुझे बस्ती की सफाई करने जाना है। और फिर मैं जा रहा था कि ये क्या हो गया? अरे एक मिनट देखता हूँ। हट हट हट, आओ भैया जरा देखें। जीजा जी, अरे चुप चुप चुप। दीदी ये क्या हो गया जीजे को? सत्यानाश, ये जरूर तड़ी पार की शरारत होगी, उसने जरूर बोर्ड बदल दिया होगा। कितनी बार कहा है उसकी तनख्वाह दे दो, मगर ये आदमी मेरी बात सुने तब ना। चलो जरा देखे। लो ओए, तू चल मेरे साथ। बहन जी आप ही गली का काम बाद में करूंगा, पहले ये गली का काम करने दो, चार चार हाथ नहीं है। मेरे कपड़े, मेरे हाथ में बंदूक की जगह झाड़ू। तू घर चल, मैं तुझे अच्छी तरह सब याद दिलाती हूँ। हाँ। जी जा जी, पुलिस वाले होते हुए बस्ती में झाड़ू लगाना अच्छा नहीं लगता। क्यों, झाड़ू मारने वाले इंसान नहीं होते? मैं झाड़ू मार रहा था, कोई इंसान तो नहीं मार रहा था। मैं झाड़ू मारू या मक्खी मारू, मैं बड़ा समझे? ये ले भागे काम, तू संभाल ले, मैं झाड़ू मार रहा था।